मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय स्थित एनआईसी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को चेक वितरित किए। वहीं एक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट के तहत सूक्ष्म प्लांट की और ओडीपी किट भी लाभार्थियों को वितरित की गई। जनपद मुजफ्फरनगर में औद्योगिक केंद्र की तरफ से एनआईसी में राज्य मंत्री विजय कश्यप ने लाभार्थियों को 12 लाख रुपए के चेक व ओडीपी किट वितरित की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एनआईसी में राज्य मंत्री विजय कश्यप, सीडीओ आलोक यादव, एडीएम प्रशासन अमित कुमार व औद्योगिक कमिश्नर परमहंस मौर्य सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं लाभार्थियों ने सरकार द्वारा अनुदान मिलने पर सरकार का आभार प्रकट किया और कहा कि सरकार ने अनुदान दिया है, हम उसका सही तरह से प्रयोग करेंगे और अपना व्यापार बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज लोन मेला का आयोजन किया गया। उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत ऋण की उपलब्धता कराई गई जी और टूल किट का वितरण किया गया। पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में आज ये मेला लगाया गया है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में धन का वितरण हुआ है, टोल किट का वितरण किया गया है। और ये प्रधानमंत्री ने परिक्रमा की थी भाई देश आत्मनिर्भर बने, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहे हैं। ये टोल किट सर किस तरह के काम में है? गुड़ बनाने वालों के लिए गुड़ की टोल किट है। जो नाई हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, उनके लिए उन्हीं का सामान जो होता है वो सामान, जिससे वो अपना कार्य करने में आसानी से अपना कार्य कर सकें और उन्हें सामान दिलाने में, सामान लेने में कोई असुविधा ना हो। चेक भी वितरित किए गए? हाँ, लोन के चेक वितरण किए गए आज। तो अपना काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो धन की उपलब्धता कराई गई। ठीक है, थैंक यू सर।